हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इजी लिटरेरी लेसन्स। मैं ज्योति शर्मा, आज जो पोम आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ उस पोम का टाइटल है ए टाइगर इन द जू। और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है लेस्ली नॉरिस। ये जो पोम है हमारी, इसमें हम देखने वाले हैं एक टाइगर जो कि एक जंगली जानवर होता है, उसको जब जू में बंद कर दिया जाता है तो उसकी क्या फीलिंग्स होती हैं, वो कैसा फील कर रहा होता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से ही मोटिवेशन मिलता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट होंगी और भी बाकी वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, देखते हैं कि पोम में क्या लिखा है। पोम को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी पोम के बारे में, कि ये जो पोम है इसमें हम दो सिनेरियो देखेंगे, दो सीन देखेंगे, वो किस किस चीज़ के। एक तो है जू, है ना, जू के अंदर देखेंगे कि टाइगर कैसा फील कर रहा है। उसके बाद देखेंगे कि जंगल के अंदर टाइगर को कैसा होना चाहिए, यानी जंगल का जो टाइगर होता है वो कैसा होता है। और फिर उसके बाद में दोबारा से हम जू में आएंगे और इस पोम को ख़त्म करेंगे। यानी हमारी जो पोम है ना वो स्टार्ट होगी जू से, ठीक है, फिर चलेगी कहाँ, जंगल में, और देन हमारे जो पोम का एंड है वो भी कहाँ होगा, जू में ही हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे, और लाइन बाय लाइन ही नहीं, मतलब एक एक वर्ड को समझेंगे हम, लाइन को ही नहीं बल्कि एक एक शब्द को समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा वर्ड है इसमें है ही। ही प्रोनाउन है, जैसा कि आप जानते ही हैं, ही प्रोनाउन जो है वो यूज़ किया जाता है पर्सन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है टाइगर की, किसकी बात हो रही है, टाइगर की, यानी टाइगर के लिए इसे यूज़ किया है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यहाँ पोइट ने कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है, पर्सोनिफिकेशन। क्यों, क्योंकि उसने टाइगर में क्या क्वालिटी दिखाई है, एक ह्यूमन बीइंग वाली क्वालिटी दिखाई है, उसकी फीलिंग्स, है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर फीलिंग्स होती है उस तरीके की फीलिंग्स जो है वो यहाँ टाइगर में दिखाने वाला है। तो यहाँ क्या यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अब देखते हैं अगला जो वर्ड है वो क्या है, अगला वर्ड है स्टार्क्स। स्टार्क्स क्या होता है, स्टार्क्स का मतलब होता है घूमना, इधर उधर विचरना, है ना, टहलना, जैसा कि आपको क्लिप में दिखाई दे ही रहा है कि ये टहल रहा है, तो इसे कहते हैं स्टार्क्स। ही स्टार्क्स इन हिज, ये हिज फिर वही ही के लिए यूज़ हो गया, क्योंकि टाइगर के लिए यूज़ हुआ है ना, तो ही यहाँ आया है तो यहाँ हिज आ गया, तो दोनों ही टाइगर के लिए ही बात हो रही है। कि ही स्टार्क्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, हिज विविड स्ट्रिप्स क्या है, विविड का मतलब तो होता है ब्राइट, और वो भी कैसा, वेरी ब्राइट, है ना, बहुत चमकीला या चटकीला कह सकते हैं आप। और स्ट्रिप्स होती है भाई धारियाँ या पट्टी, जैसे कि आपको टाइगर के देखने को मिल रही होंगी, वाइट है, ब्लैक है, गोल्डन है, ये स्ट्रिप्स हैं, ये क्या है, धारियां हैं, ये पट्टी हैं। तो क्या कह रहा है कि हमें वो टहलता हुआ नज़र आ रहा है, किस चीज़ के साथ, अपनी चमकीली चटकीली धारियों के साथ। यानी जो टाइगर है उसको जब हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उसके शरीर के ऊपर धारियां बनी हुई होती हैं, जो कि बहुत शाइनिंग वाली होती है, चटकीले कलर की होती है, मतलब बहुत डार्क से कलर की होती हैं, वो हमें दिखाई देती है, और वो टहल रहा है यानी घूम रहा है। द फ्यू स्टेप्स, अब ये क्यों यूज़ किया है फ्यू स्टेप्स, देखिए फ्यू स्टेप्स इसलिए यूज़ किया है क्योंकि आगे जिक्र किस चीज़ का कर रहा है, हिज केज। केज क्या होता है, केज होता है पिंजरा, है ना, और पिंजरे की बात हो रही है तो फ्यू स्टेप्स ही तो बोलेगा, क्यों, क्योंकि पिंजरा जो है ना वो तो लिमिटेड एरिया के अंदर ही होता है। जंगली जानवर जो होते हैं वो जंगल में रहने के लिए बनते हैं, लेकिन ये जंगली जानवर कहाँ है, ये केज में है, और अगर केज में है तो फ्यू स्टेप्स ही चलेगा, यानी थोड़ी बहुत दूर ही चल पाता है, ये थोड़ी बहुत दूर ही चलता है, चहलकदमी करता है, वो भी कैसे, अपनी विविड स्ट्रिप्स के साथ। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बहुत ही अच्छी लाइन है, ओन पैड्स, पैड्स क्या होते हैं, पैड्स होते हैं पैरों के नीचे के गद्देदार भाग, यानी जो हमारा ये टाइगर है ना, इस टाइगर का जो पंजा है, पंजे के नीचे एक गद्दी नुमा कोई संरचना सी बनी होती है, यानी गद्देदार कोई भाग होता है जिसको पैड बोलते हैं, और वो पैड भी कैसे हैं, पैड्स ऑफ वेलवेट, यानी ये जो गद्देदार भाग है ना, इसी तुलना की है इन्होंने किससे, वेलवेट से। वेलवेट क्या है, वेलवेट है मखमल, वेलवेट को क्या बोलते हैं, मखमल। अब देखो एक चीज को समझना कि टाइगर है, टाइगर के पैड्स वैसे तो वेलवेट के नहीं बने होते, लेकिन तुलना कर दी वेलवेट के साथ में, मखमल के साथ में, क्योंकि सॉफ्ट है, नरम है। तो यहां जो लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है ना वो कौन सी यूज हुई है भाई, यहां मेटाफर यूज हुआ है, कौन सा यूज हो गया, मेटाफर।
तो आप बता सकते हैं इस वाली लाइन के साथ में कि यहाँ क्या यूज़ हुआ है, मेटाफर यूज़ हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, अब क्वाइट भी है और रेज भी है, क्वाइट और रेज दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर देखें तो हम क्वाइट का मतलब तो क्या होता है, क्वाइट का मतलब तो होता है शांत, यानी बिल्कुल शांत जो होता है ना, चुप एकदम वो। और रेज का मतलब भाई गुस्सा होता है। अब कोई गुस्सा है तो शांत तो नहीं कह सकते ना उसको, तो अपोजिट हो गए ना एक दूसरे के बिल्कुल ही। तो बहुत ही अच्छी फ्रेज यूज़ करी है उन्होंने कि इन हिज क्वाइट रेज। अब क्वाइट रेज क्यों बोला है कि जो हमारा टाइगर है उसका जो नेचर होता है ना, वो होता ही रेज वाला है, गुस्से वाला होता है, यानी वो हमेशा लगभग गुस्से में ही रहता है। लेकिन वो है कैसा, शांत है। गुस्सा तो है उसे, गुस्सा किस चीज़ का है कि बेचारे को पिंजरे में बंद कर दिया। और शांत क्यों है, शांत भी इसीलिए है कि कुछ कर नहीं सकता। तो पूरे की अगर हम हिंदी देखें तो क्या होगी कि वो टाइगर जो है वो धीरे धीरे चहलकदमी कर रहा है, घूम रहा है इधर से उधर, बेचैन है वो। एक तरह से ये लो आप, वो बेचैन है बेचारा, पिंजरे में बंद कर दिया उसे, उसे जंगल में घूमना था, वो घूम रहा है अपने वेलवेट पैड्स के साथ में, अपने गद्देदार पैरों के साथ में घूम रहा है और बहुत गुस्से में है लेकिन शांत है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की जो हमारी लाइन है उसको देख लेते हैं कि आगे की जो लाइन है ना उसके अंदर जो हमारा पॉइंट है वो हमें क्या बताने वाला है। आगे की जो लाइन होएगी उसके अंदर हमारा पॉइंट क्या बताएगा कि जंगल में टाइगर को कैसा होना चाहिए। देखो, ही शुड बी, अब वही ही आ गया। अगर ये वाली स्टेंजा आपके सामने आ जाए एग्जाम में तो इस वाली स्टेंजा के अंदर भी आप ये चीज़ बताएंगे कि ही प्रोनाउन है, वो पर्सन के लिए यूज़ होता है, यहाँ टाइगर के लिए यूज़ हुआ है तो पर्सोनिफिकेशन है। बहुत ही अच्छे मार्क्स लेने के लिए बहुत ज़रूरी है आप ये जो बातें मैं बताती हूँ ना उन्हें अपने आंसर में इंक्लूड किया करो। ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग क्या है, लर्किंग का मतलब क्या होता है, हमला करने के लिए छिप कर बैठना। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ना पिक्चराइजेशन में, मतलब क्योंकि टाइगर का जैसे मैंने आपको बताया नेचर ही है कि वो एकदम से हमला बोल देता है अपने शिकार को, मतलब पकड़ने के लिए। तो लर्किंग इन शेडो, अब शेडो का मतलब वैसे तो होता है परछाई, लेकिन यहाँ हम किस चीज़ से लेंगे, थोड़ा सा अंधेरे से लेंगे इसको। शेडो यानी मतलब एकदम अंधेरे से में छुपकर उसको बैठना चाहिए हमला करने के लिए। और कहाँ वो जू में बंद है, मतलब यहाँ पर क्या किया, एकदम से कंपैरिजन कर रहा है हमारा जो पॉइंट है, वो कंपैरिजन कर रहा है, वो इस चीज़ का कंपैरिजन कर रहा है कि जू के अंदर बेचारा कुछ भी नहीं कर पा रहा वो, हाँ चहलकदमी कर रहा है इधर से उधर, उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन वो शांत है फिर भी चहलकदमी कर रहा है। उसे करना क्या चाहिए, उसे करना चाहिए कि वो छुपकर बैठे हमला करने के लिए और फिर धीरे धीरे, स्लाइडिंग का मतलब होता है सरकते हुए, धीरे धीरे स्लाइडिंग करता हुआ यानी सरकते हुए, थ्रो किसके थ्रो, लॉन्ग ग्रास की थ्रो, लॉन्ग ग्रास यानी लंबी लंबी घास, लंबी लंबी पिक्चर्स में दिख रही है ना आपको, लंबी लंबी घास यानी लंबी लंबी घास की गहरे अंधेरे में छुपकर बैठ जाए शिकार के देखने के लिए, हमला करने के लिए छुपकर बैठ जाए और फिर आए सरकते हुए। नियर द वाटर होल, किसके नज़दीक, वाटर होल के नज़दीक। वाटर होल से आप मान सकते हैं कि पोंड या तो, या फिर जैसे कोई ऐसी जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो, जैसे यहाँ है ना, जैसे दिखा रखा है कि जहाँ पानी इकट्ठा हो, जहाँ पे जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। ठीक है, नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर जो प्लम्प है, प्लम्प का मतलब क्या होता है, प्लम्प का मतलब होता है बहुत ही मतलब गोल मटोल से, हेल्दी से, है ना, प्लम्पी प्लम्पी बोलते हैं ना, मतलब गोल मटोल से, डियर पास जहाँ मतलब गोल मटोल से डियर जो है वो पानी पीने के लिए आते हों। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है, ही शुड बी स्नॉर्लिंग, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, कि उसको कैसा होना चाहिए, उसको ना स्नॉर्लिंग करनी चाहिए। स्नॉर्लिंग का मतलब पता है क्या होता है, स्नॉर्लिंग का मतलब होता है कि दांत दिखाते हुए ऐसे गुर्राना, जैसे देख रहे हो आप ऐसे इसके बहुत ऐसे बहुत पहने पहने से दांत होते हैं ये, मतलब जैसे अपने शिकार को एकदम से पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तो उसको कैसा होना चाहिए, मतलब उसकी फितरत जो है, उसका नेचर जो है, प्रकृति ने उसको बनाया किस चीज़ के लिए है भाई, उसे जंगल में रहने के लिए बनाया है, अपना शिकार खुद करने के लिए बनाया है, और वो कहाँ है, जू में बंद कर दिया गया है, मतलब लोगों के लिए देखने का एक मतलब चीज बन के रह गया, एक वस्तु बन के रह गया है, लोग आते हैं उसको देख कर चले जाते हैं, मतलब क्योंकि उसको जू में बंद कर दिया देखने के लिए, लेकिन बना किस चीज के लिए, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज, यानी वो उसे खुला छोड़ना चाहिए क्योंकि उसकी फितरत है, वो क्या करता हुआ घूमे, स्नॉर्लिंग करता हुआ घूमे यानी दांत दिखाते हुए गुर्राता हुआ घूमे। एट द जंगल एज, एज क्या है, एज का मतलब होता है किनारा, क्या होता है किनारा, यानी वो कहाँ तक घूमे, बहुत दूर तक जंगल के किनारे तक चला जाए, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। जैसे बेचारा दिखाया है ना शुरू शुरू में, जब अपने पहले स्टेंजा में देखा है तो क्या देखा है कि वो थोड़ी सी दूरी में ही घूम पाता है एक, क्योंकि वो केज में बंद है, तो एक केज के अंदर बंद है, तो केज के अंदर ना होते हुए उसे कहाँ तक जाना चाहिए, जंगल की एज तक जाना चाहिए।
ठीक है, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, देखो बहुत अच्छा सा वर्ड है आपकी डिक्शनरी में, आपकी वोकैबुलरी में जुड़ने वाला बहुत ही प्यारा सा वर्ड है वाइट फैंग्स। वाइट फैंग्स क्या है? फैंग्स है ना, यहाँ अपन टिथ जो है जो वर्ड यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग के लिए टिथ, यहाँ इस टाइगर के लिए ना फैंग्स यूज़ करेंगे। ये जो है ना ये फैंग्स हैं इसके, ये फैंग्स हैं यानी सफ़ेद उसके जो दांत हैं उनके साथ में, हिज क्लॉन, क्लॉन यानी उसका पंजा, मतलब अपने गुर्राते हुए सफ़ेद चमकीले दांत दिखाए जंगल के किनारे तक घूमता फिरता हुआ और क्या करता हुआ आए, टेररइजिंग, टेररइजिंग यानी दहशत फैलाता हुआ, मतलब पूरा गांव जो है ना वो उसके इन सारी चीज़ों से मतलब एकदम से डर जाए, एकदम उसकी दहशत हो जाए। मतलब टाइगर तो इस चीज़ के लिए बना है, टाइगर केज में रहने के लिए नहीं बना कि उसको जाओ और पिंजरे में बंद कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। इस तरीके से मतलब वो ऐसे आतंक फैलाता हुआ ही अच्छा लगता है क्योंकि वो जंगल के लिए बना है। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है। बट अब यहाँ अपने को भी दया आएगी बेचारे जानवर पर, देखो पढ़कर इस टेंजा को देखना आपको खुद को लगेगा, बट हिज यानी ही इज़ अपोस्ट्रोफेस लगा ना, ही इज़ हो गया ये, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट क्या होता है? कंक्रीट का मतलब कंक्रीट ही होता है यानी जो कंकर पत्थर ईंट वेट इन सब चीज़ों से जो बनाया गया है, वो भी क्या, सेल। सेल क्या है? सेल का मतलब होता है कोठरी, एक कोठरी सी बना दी जाती है वहाँ पर तो, है ना, कहाँ पे, जू में, चिड़ियाघर में, क्योंकि एक स्पेसिफिक एरिया दे दिया जाता है उस टाइगर को ऐसे, और उसे लॉक कर दिया जाता है कहाँ, जंगल में चारों तरफ दांत दिखाते हुए उसे मतलब गुर्राते हुए जाना चाहिए, है ना, दहशत फैलाते हुए रहना चाहिए, और कहाँ ये कहाँ बंद हो गया बेचारा, एक कंक्रीट से सेल के अंदर इसको ताला लगाकर बंद कर दिया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, कि इतना ताकतवर है ये और इसकी ताकत को कहाँ बंद कर दिया, किस चीज़ के पीछे बंद कर दिया, बार्स के पीछे बंद कर दिया। बार्स क्या होती हैं? बार्स होती है सलाखें, सलाखें ही कहेंगे ना हम बार्स, क्योंकि क्या लगा दी जाती है सलाखें, इसलिए लगा दी जाती है कि कहीं ये जो टाइगर है ये झपट्टा ना मार दे, जिनको जो देखने आते हैं ना उन लोगों के ऊपर कहीं झपट्टा ना मार दे, तो इसलिए सलाखें लगाई जाती हैं बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। तो इसकी जो ताकत है वो किसके पीछे छुप कर रह गई, सलाखों के पीछे ही छुप कर रह गई। स्टॉकिंग, फिर से आ गया वही वर्ड, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, कि सिर्फ कहाँ तक विचर सकता है, कहाँ तक घूम सकता है, अपनी केज की लेंथ तक ही घूम सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स कौन होते हैं, आगंतुक होते हैं जो आने वाले हैं, उसको देखने जो आ रहे हैं बार बार, जैसे हमारे जैसे भी कई बार जाते हैं चिड़ियाघर देखने के लिए, हाँ, तो क्या करता है वो, इग्नोर कर रहा है, वो देखता नहीं है उनको आने जाने वालों, क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकता। अगर मान लो ये सलाखें वगैरह नहीं लगी हुई होती, इसको खुला छोड़ दिया जाता तो ना तो कोई देखने जाता, और अगर कोई देखने जाता तो झपट्टा मार के ये खा जाता। तो कहा क्या जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो ताकत है ना, वो ताकत कहाँ बंद कर दी, एक सलाखों के पीछे बंद कर दी गई। अब देखिए ये जो स्टेंजा है, स्टेंजा के अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ अब वापस से हमारा जो टाइगर है ना वो वापस से जू के अंदर ही देखने को मिलेगा, यानी जू में अब उसकी क्या कंडीशन है देखते हैं। ही हियर्स, ये तो देखो हर एक स्टेंजा में ही आपको देखने को मिल रहा है, तो स्टेंजा इस पोम से रिलेटेड अगर आ जाता है तो एक लाइन तो आपकी पक्की पक्की है, कौन सी, पर्सोनिफिकेशन वाली, कि पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है ना। ही हियर्स, अब एक चीज़ और है, ही हियर्स सुन रहा है, इंसानों वाली क्वालिटी है, है ना, पर्सोनिफिकेशन तो है ही है, कंफर्म हो गया। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, कि अब वो रात की आखिरी आवाज़ सुनता है, यानी जंगल में तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती उसके ऊपर, मतलब वो आज़ाद है, चारों तरफ कहीं से कहीं तक घूम सकता है, लेकिन वो चिड़ियाघर में है ना अगर, तो उसके ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं। कैसी पाबंदियाँ हैं, कि अब वो रात में आखिरी आवाज़ सुन रहा है, कि अक्सर चिड़ियाघर में रात को क्या होता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स क्या होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स एक तरह से, पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त लगाना, यानी एक एरिया में घूम घूम कर देखना कि भाई वहाँ सब कुछ सही है या नहीं, एक तरह से इंस्पेक्शन कह सकते हैं आप, सिक्योरिटी पर्पज़ से जो इंस्पेक्शन होता है ना वो पेट्रोलिंग कहलाती है। मतलब कार्स आती हैं और पेट्रोलिंग करती हुई घूमती रहती हैं, वो पता लगाती हैं कि भाई टाइगर्स जो हैं वो सही हैं या नहीं, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें मतलब देखती हुई। तो सो लास्ट वॉइस ये सुनता है, जो रात की जो लास्ट वॉइस सुनता है वो क्या सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है, यानी यूजुअली चिड़ियाघर में ऐसा ही होता है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और क्या करता है कि वो क्या कर रहा है, क्या क्या चीज़ें बता रही हैं, यहाँ जो है ना स्टीयर्स है, स्टीयर्स का मतलब क्या होता है, स्टीयर्स यानी एक टक देखना स्टार्स की तरफ,
एकदम एक तक देखता रहता है अपनी ब्रिलियंट आईज से। ब्रिलियंट का मतलब अपनी चमकीली आईज से, बहुत चमकीली होती है इनकी आईज कभी, है ना, ध्यान से देखना इनकी जो आईज होती है ना, रात को अंधेरे में एकदम इतनी बहुत शाइन से चमकती हैं, बहुत ज़्यादा, और ऐसे चमकती हैं जैसे आसमान के अंदर तारे चमकते हैं उस तरीके से। तो ये स्टेयर्स करता है, स्टेयर का मतलब होता है एकटक देखते रहना, एक टकटकी लगाकर, तारों की तरफ टकटकी लगाकर देखता रहता है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, स्काई जो है ना आसमान की तरफ ये देख रहा है, तो आसमान जो है वो सिंबल है फ्रीडम का, क्योंकि आसमान की कोई लिमिट नहीं है। तो आसमान सिंबल किस चीज़ का हो गया, स्काई का यहाँ पे यूज़ किया, तो स्टार्स का यूज़ किया, तो स्काई जो है ना वो सिंबल है, सिंबल किसका, फ्रीडम का। तो ये क्या चाह रहा है कि भाई मेरे को आज़ाद कर दो, मैं इसमें नहीं रहना चाहता। फिर हमने पोम के अंदर ही वेरी स्टार्टिंग में केज पढ़ा, केज जो है ना वो यहाँ सिंबल किस चीज़ का है, वो है इसको कैद कर लिया है ना, उसका सिंबल है, इसकी कैद का सिंबल है। तो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिला है, टाइगर जो है ना वो केज में है, जबकि बना किस चीज़ के लिए है, फ्री रहने के लिए, जंगल में रहने के लिए बना है। तो ये आपकी जो पोम है, इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हमने कंप्लीट कर ली, लेकिन इसके अंदर है ना क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से एक कोई भी स्टेंजा दे देते हैं पोम में से उठा के, जैसे मान लीजिए चार लाइन का ये स्टेंजा दे दिया, या फिर मान लीजिए कि ये स्टेंजा दे दिया, कोई भी दे सकते हैं एक्स वाई जेड, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये आए, कोई भी आ सकता है। लेकिन होता क्या है, ये स्टेंजा देंगे और फिर उसके नीचे आपसे क्वेश्चंस लिखकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आपको इस स्टेंजा के बेस पे आंसर करने होंगे। जैसे हम अगर फर्स्ट स्टेंजा की बात करें, तो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अगर लाइन बाय लाइन देख रहे हैं ना, तो क्वेश्चन एक ये बन सकता है इसमें से, क्या कि व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज, कि टाइगर जो है ना वो क्या कर रहा है, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन, ध्यान से देखना, बहुत आसान, बहुत ही आसान है, आप देखना इसी में आंसर बन जाएगा, इन हिज केज, ठीक है। अब आप आंसर कैसे करेंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में से ही उठाओ, कैसे, क्वेश्चन में लिखा है द, यहाँ से शुरू करो। अब ये तो बीच में था इसलिए यहाँ पे स्मॉल था, अब इतना तो आप खुद ही ध्यान लगा लेंगे कि यहाँ पे टी बड़ा हो जाएगा, द टाइगर, है ना, टाइगर से शुरू हो जाएगा, द टाइगर इज क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको क्या कर रहा है, स्टार्क्स लिखा है ना, है ना। अब लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, वो डूइंग से पूछ रहा है, तो हम भी इसको कंटिन्यूअस में ही जवाब देंगे, द टाइगर इज स्टॉकिंग, ना स्टॉकिंग कर रहा है ना, स्टॉकिंग इन हिज केज, ठीक है। मेरा मतलब ये है बताने का कि अगर आपने लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड अगर इसको अच्छे से समझ लिया, तो आपको क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं होती, क्वेश्चन में अपने आप ही आंसर छिपा होता है। अब आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज, अब यहां से आप शुरू करो ना, यहां से उठाओ, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द टाइगर डूइंग, ये जो है ये चेंज हो जाएगा किस में, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसके आंसर में, आंसर यहाँ पे लिख दो और आईएनजी लगा दो, यानी कर क्या रहा है वो, स्टॉक कर रहा है ना, स्टॉक लिख दिया, आईएनजी लगा दिया, स्टॉकिंग इन हिज केस, वो का वही तो है, एक ही वर्ड हमने लिखना पड़ा सिर्फ ये, और कोई सा भी नहीं, और वो भी हमें पता है कि क्या लिखना था, कि यहाँ पे कंटीन्यूअस टेंस है, तो कंटीन्यूअस टेंस ही यहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.